हे वेलकम बैक। आज के वीडियो में देखेंगे हम कैसे इस कॉर्निक को डिज़ाइन कर सकते हैं इन ऑटोकैड। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले लाइन कमांड से, एल एंटर। हाइट में जो मुझे चाहिए 380 चाहिए। फर्स्ट क्लिक किया, माउस को ड्रैग किया, अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो F8 को आप प्रेस करेंगे। ठीक है, नीचे से भी देख सकते हो, यहाँ से है अपने पास ऑर्थो मोड को आप ऑन करोगे मतलब आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। 380 एंटर। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है 35, एल एंटर। यहाँ से मैंने लिया 35, मैं लाइन में ही हूँ, कमांड में। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी हाइट लेंगे 20। फिर नेक्स्ट सी, यहाँ से कितना है 20, हाइट मैंने ली। फिर नेक्स्ट हमारे पास 20 है, आगे 20 और हाइट हमारे पास है 15। जब हमने ये ड्रॉ किया, लाइन से कमांड एंटर किया वापस, यहाँ से हम एक करेंगे सी ये शेप। अब नेक्स्ट हमारे जो पास हाइट है वो है 25। फिर हम अंदर को मूव करेंगे 20 पे, ये जो लाइन है हम इसे कर देंगे इरेज। डिलीट कर सकते हो, इरेज सेलेक्ट करोगे ई एंटर या फिर सेलेक्ट किया और डिलीट। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट इस पॉइंट से यहाँ तक हमें एक हाइट चाहिए, वो चाहिए 205, एल एंटर। सेलेक्ट किया 205 एंटर। अब हम इस पॉइंट पे आ गए, यहाँ से हमें बाहर को आना है, कितना यहाँ तक 20 प्लस 20 40, यहाँ से 40, इस पॉइंट तक 40 आया। फिर हम करेंगे हाइट 20 की और नेक्स्ट 8, हाइट यहाँ से 20 और इधर को 8, 8 की वैल्यू है हमारे पास नीचे। 8 की वैल्यू देने के बाद नेक्स्ट हमें जाना है 42 की वैल्यू पे, एल एंटर। आगे हम जाएंगे 42 एंटर, 42 हाइट है हमारे पास 40 एंटर। इस 42 और 40 के लेवल पे, इस लेवल पे मुझे चाहिए रेडियस 41 का। ठीक है, तो वो रेडियस हम कैसे लेंगे, हम यूज़ करेंगे आर्क। आर्क में हम यूज़ करेंगे यहाँ पे आर्क, स्टार्ट एंड एंड रेडियस। अब फर्स्ट आर्क कहाँ कैसे आ रही है, बाहर को। तो इस केस में एक कंडीशन, एक आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे इसको पॉइंट करोगे। अब मान लीजिए आपने फर्स्ट ऊपर वाला किया, यहाँ से सेकंड किया मैंने ये, तो हमारी आर्क कहाँ जा रही है, ऊपर वाली साइड। अगर मैं इसका ऑपोजिट करूँ, स्टार्ट एंड रेडियस, नीचे से फर्स्ट क्लिक करूँ अपना एंड पॉइंट और फिर ऊपर जाके मैंने नेक्स्ट किया, तब क्या होगा, उसका डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट। आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हमें कितना रेडियस चाहिए, हमें रेडियस चाहिए 41 एंटर, और इस लाइन को हम कर देंगे डिलीट। ओके, इस 8 से करना था, लेट मी डू अगेन, कंट्रोल जेड डिलीट। जो ये मैंने ये 8 वाला पॉइंट लिया, हमें यहां से करना था, फर्स्ट क्लिक किया, सेकेंड क्लिक किया, रेडियस लिया हमने 41 एंटर। अब बिल्कुल सही है। अब इस पॉइंट से ऊपर हमें 30 की वैल्यू चाहिए, 30 है और दोनों साइड 30, एल एंटर। यहाँ से ऊपर 30, नेक्स्ट 30। अब हमारे हमें कितना रेडियस चाहिए 30 का, बट कैसे, अंदर वाली साइड। तो अब हम क्या करेंगे, सेम आर्क को यूज़ करेंगे, स्टार्ट एंड और रेडियस। अभी मैंने नीचे फर्स्ट क्लिक किया था, अभी मैं करूँगी ऊपर, फर्स्ट क्लिक यहाँ पे किया और एंड पॉइंट आपको चेक करना है, एंड पॉइंट आएगा क्लिक, कितना रेडियस चाहिए मुझे, मुझे रेडियस चाहिए 30 एंटर। दोनों को क्या डिलीट, एक्स्ट्रा लाइन थी हमारी। अब हमें हाइट देनी है यहाँ पे 25 की और फिर 155 एंटर। नाउ यू कैन सी। अब
यहाँ पे हमें कितना रेडियस चाहिए? आप देखोगे इधर हमें रेडियस चाहिए, कितना रेडियस चाहिए? 22 का। इस केस में हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है कि ऊपर से आएगा, लेकिन कहाँ तक हमें 22 लेना है वो चीज़ नहीं पता है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे फिलेट कमांड को, एफ एंटर, आर एंटर, जितना रेडियस चाहिए 22, एंटर, फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक। क्लियर? जब हमें एक साइड का डायमेंशन मालूम हो और सेकेंड साइड का नहीं, तब हमें यूज़ करना है फिलेट कमांड। जब हमें फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पता है, तब हमें यूज़ करनी है आर्क। क्लियर? आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब डायमेंशन देने के लिए आप क्या कर सकते हो, DLI शॉर्टकट, इसका है डायमेंशन देने का, फर्स्ट क्लिक किया, सेकेंड क्लिक किया और अपने माउस क्यू किया, ड्रैग। नेक्स्ट हमारे पास एक कमांड है QDIM, एंटर। सबको हमने एक ही बारी में सिलेक्ट किया और हमने साइड में जाके क्लिक कर दिया। एक ही बारी में आपकी सारी डायमेंशन आ गई। ये हमें यहाँ से नहीं चाहिए, इसी को हम करेंगे इधर। ये भी एंड पॉइंट नहीं चाहिए, यहाँ पे 40 है और 30। क्लियर? शॉर्टकट की है QDIM। सेम चीज आप नीचे वाले के साथ करोगे, DQDIM, एंटर। सबको सिलेक्ट किया और जैसे मैंने राइट में ड्रैग किया था, अब आपको बिलो में ड्रैग करना है और यहाँ पे आप कर दोगे एंटर, सिलेक्ट एंटर, साइड में सिलेक्ट एंटर, नीचे, जैसे भी आपको चाहिए तो आप उस चीज़ को कर सकते हो। कंटिन्यू करोगे तो क्या होगा कि आपकी जो लाइन है वो कंटिन्यू रहेगी, जैसा भी आपको यूज़ करना है। होप सो इट्स क्लियर कि कैसे आपको ड्रॉ करना है। बस इसमें बेसिकली जो मेन चीज़ है वो है आपको ये रेडियस कैसे यूज़ करना है और यहाँ पे फिलेट कमांड को कैसे यूज़ करना है। थैंक यू।